ये कटोरी से 4 कटोरी है, इसको पानी में धो के और सुखाने को डालती हूँ 1-2 घंटे। ये धो के जाली में डाल दिया है, अभी सुखाने के लिए 1-2 घंटा इसमें ऊपर डाल देती हूँ। ये सूखने के बाद फिर उसको गरम करेंगे। इसको सुखाने को डाले थे, 3 घंटे में ये सूख गया है, अभी इसको गरम करेंगे। गैस एकदम स्लो रखने का है। इसको अच्छे तरह से रोस्ट करने का। पांच मिनट इसको चलाते रहने का। अभी ये हो गया है, निकालती हूँ इसमें। इससे 4 कटोरी चावल है, 1 कटोरी चना दाल है, इसको भी अभी भुजाते हैं। हो गया इसका चना दाल, अभी इसमें मिक्स करती हूँ। 1 कटोरी उड़द दाल है ये। अभी उड़द दाल हो गया है, ये 2 टेबलस्पून है ये। ये भुजा हुआ चना दाल है ये, ये भी 1 वाटी। मसाला पोहा ये भी 1 वाटी। ये ठंडा होने के बाद इसको पाउडर करेंगे, नहीं तो चक्की में डाल के भी आ सकते हैं। बारीक इसको पाउडर करने का, अभी ठंडा होने के बाद करेंगे। मिक्सी में डाल रही हूँ अभी, आटा करूँगी इसका बारीक वाला। आटा ऐसा तैयार हो गया है, इसको 1 साल तक रख सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं इसको। ये आटा रेडी है चकली का। ये 2 कप आटा लिया है मैंने, 1 चम्मच तिल डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल, स्वाद अनुसार नमक। हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा हींग। करने के लिए रखा है, वो तेल गर्म होते ही 1/4 कप इसमें तेल मिक्स करूंगी। ये 1/4 कप तेल है, ये अच्छे तरह से मिक्स करने का इसको तेल डाली हूँ। ये नॉर्मल वाटर है ये। ये चपाती के आटे जैसा होना चाहिए आटा।
तो थोड़ा थोड़ा लेके ऐसा गूंदना चाहिए इसको। ये अभी आटा रेडी हो गया क्या? रेडी हो गया। ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा सॉफ्ट नहीं, नरम आटा चाहिए, नरम आटा चाहिए। अभी इसको थोड़ा ऑयल लगाएंगे। इसमें आटा डाल रही हूँ अभी। ऐसा नरम होना चाहिए ये आटा। तेल गरम हो गया है, अभी इसमें चकली डालूंगी। एकदम मीडियम आंच पे इसको तलने का है, एकदम धीमे आंच पे। अभी ये चकली रेडी हो गया है, अभी सासू माँ इधर तल रहे हैं। अभी निकाल दिया है हम लोग, दूसरा डाली हूँ अभी। बना रहे शंकर पाड़े, एक कटोरी से एक कटोरी शक्कर है और एक कटोरी दूध। इसको थोड़ा गर्म करेंगे शक्कर पिघलने तक। पिघल गया है अभी, और यही कटोरी से घी है ये। यही चार कटोरी लिया है मैंने मैदा। थोड़ा सा नमक, इसमें मिक्स कर देने का। इलायची पाउडर,
और एक चम्मच ऊपर से डाल रही हूँ। यह आटा तैयार है, आधे घंटा इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। यह आटा गूंद के आधा घंटा हो गया, अभी बनाते हैं शंकरपाले। कट करते हुए इसको एकदम आसान तरीका है ये। गरम हो गया है, अभी डालती हूँ शंकरपाड़े को। एकदम धीमे आंच पे करने का इसको। अभी ये हो गया है, निकालती हूँ। एकदम इजी है और बिस्किट जैसा टेस्ट आता है, आप भी बना के देखिए। रहे हैं सेव, एक कप चना का आटा है ये, बेसन और उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग। आपको मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो डाल सकते हैं इसमें। ये अच्छे तरह से मिक्स करने का। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं इसको। सब पानी ये आटा अच्छे तरह से हो गया है नरम। टेबल स्पून करने को रखा है, अच्छे तरह से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे। ये आटा ऐसा होना चाहिए नरम। थोड़ा तेल लगा रही हूँ अंदर। हो
हो गया है, अब सेव डाल रही हूँ। नमक या शक्ति लादी का मैं जा रहा हूँ सेव। आज कुरकुरा पोहा बना रही हूँ। ये पेपर पोहा है, इसको गर्म करती हूँ। पोहा कुरकुरा होने तक इसको चलाते रहने का है। गया है कुरकुरा, बन गया अभी, इसको इसमें निकालती हूँ। ये ऐसा होना चाहिए, इसको भी निकालती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, राई डाल रही हूँ, सेंग, सूखा खोबरा, सूखा बैरी मिर्ची, भुजा हुआ चना दाल, कड़ी पत्ता, हल्दी, हिंग थोड़ा। अभी एक हो गया है, थोड़ा ठंडा होने के बाद पोहे में डालती हूँ अनुसार नमक। अभी ये डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ा तेल डाल रही हूँ। ये अभी तैयार हो गया है, कुरकुरा बन गया। डब्बे में डाल के एक दो महीना तक रख सकते हैं, इसको खराब नहीं होता है, नाश्ते के लिए अच्छा रहता है। ये सब भाजी डाल रही हूँ, काकड़ी है ये, और शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, और ये टमाटर, ये भी सब अच्छा लगता है ऐसा खाने के लिए, कच्ची जाता है फिर पेट में, हेल्दी है ये।